अब खबर ये है कि अभी भी आज के दौर में भी हम चाइना के साथ मिलके कुछ एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। चाइना से एक शिपमेंट आ रही थी जो कि इंडिया ने मुंबई पोर्ट पे उसे रोका है उनकी एजेंसीज ने, जिसमें सीएनसी मशीन थी जो कि एटॉमिक प्रोग्राम में यूज होती है। कराची बाउंड शिप फ्रॉम चाइना वाज स्टॉप्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज एट मुंबई नवशिवा पोर्ट ऑन सस्पिशन दैट इट कंटेन्ड अ ड्यूअल यूज कंसाइनमेंट दैट कुड बी यूज्ड फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल। न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था, दिस वॉज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो, न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज हो सकता है। इसको नवशिवा पोर्ट पे रोक लिया गया। न्यूज़ हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछने वाली हूं, यहां पर उनकी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती पाकिस्तानी उन लोगों की, अहदेदारों की। इसका मतलब ये है कि आपका जो पड़ोसी है वो आपका दुश्मन है। कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा, वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। अरे राम, अरे राम, अरे राम। एक नरेंद्र मोदी साहब, आई लव यू, आई लव यू मोदी जी। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। मुझे रामसादी से इश्क हो गया। ठीक है, ठीक है जी। कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की, आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी, उन्हें क्या फायदा है? ये भी बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, आपकी वीडियो तो ट्रेंडिंग में है इंडिया में, ठीक हो गया? ठीक है। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, मगर बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ओ भाई, मोदी से नफरत करते उसे सीखो। वाह मोदी जी वाह। लेकिन यकीन मानो, अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए। ईरान भी है ना हमारे साथ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ? हो गया, वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर। हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था। अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है। हमें जो सिखाया गया ना, ठीक है, के बचपन से लेके अब तक इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया है। मैं नहीं समझता इंडिया हमारा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ रही है, जो कि भारत ने एक बहुत ही गजब कारनामा कर दिखाया है। वो क्या है, अभी आपको पहले खबर पता ही है कि पहले पाकिस्तान का पानी पूर्ण तरीके से रोक दिया गया था रावी नदी में, और रोका हुआ है फिलहाल भी। पाकिस्तान पानी को तो अब तरस ही रहा है, लेकिन एक शिप जो कि कराची से जा रहा था वो मुंबई पोर्ट पर रोक लिया गया है भारत सिक्योरिटी ने। वो क्यों रोका है उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें मिला क्या है, न्यूक्लियर जो मिसाइल होते हैं उसके कंसाइनमेंट थे जो कि मुंबई पोर्ट पर फिलहाल खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है क्योंकि चीन से वो सामान जा रहा था। चीन और पाकिस्तान अब कुछ ना कुछ साथ मिलके खिचड़ी जरूर पकाएंगे, यानी कि चीन फिलहाल सदमे में है कि हम मतलब एक तरफ हमें अब टॉर्चर किया जा रहा है। चीन का कहना यह है, उनकी जहालत, उनके दिमाग, यानी कि अपने आप को तो उन्हें सुधारना होता नहीं है, सिर्फ अपना दोष दूसरों को वो मंडते रहते हैं, और यही कमी है। आज वो बिल्कुल गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। वो आवाम, वो जो इस्लाम का ठेकेदार खुद को समझता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि चीन से वो जा रहा था और वो मुंबई पोर्ट पर रोक लिया गया है। अब चीन और पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या उनके रिएक्शन है, क्या वे बातें कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें वो दुश्मन हमारे ज़रूर हैं, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है? पहले वेपन्स की जंग में हमें नजर आता था दुश्मनी है, लेकिन अभी जो वो दुश्मनी की आग हमारे लिए जला रहे हैं ना, वो हम सबको पता है। क्या मुझे नहीं पता, मुझे बताएं इंडिया वाले क्या दुश्मनी की आग अभी आपकी बात में आ रही है कि एक 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 हमारे लिए शिपमेंट आ रही है तो उसके अंदर उन्होंने टांग अड़ाई है, तो इसमें आपको क्या शो हो रहा है? नहीं, उसमें ये चीज शो हो रही है कि भाई देखिए, अगर उनका सरहद के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर कोई ऐसी चीज आएगी तो वो उसे चेक एंड बैलेंस तो जरूर करेंगे। इंटरनेशनल अदारे इस चीज को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि भाई आज भी वो दुश्मनी की आग हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ, खासतौर पर आम जो उनकी पब्लिक है। मैं नहीं समझता, क्योंकि मैंने भी दुबई का विजिट किया, यूएई के एक दो स्टेट का विजिट किया, वहां पे जितने भी इंडियन से मिले हैं वो तो कहते हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए।
मुझे सिर्फ ये बात बता दे, ठीक है, कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लेते हैं, चले हमारा दोस्त कौन है आप बता दे, चले ये नहीं है आप बताएं, आप बता दे, जो वक्त आ चुका हुआ है ना इस वक्त में आपका दोस्त वही है, चाइना तो नहीं कहने लगे, इसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है ठीक है, अब बेनिफिट्स का लेवल जब तक आप एक लेवल पे नहीं आएंगे, नहीं नहीं वो बात सुने, क्या बोले, मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट्स बना ले, उधर हम ये सोच ले आते हैं, नहीं जी वो तो हिंदू है, ईरान भी है ना हमारे साथ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ, हो गया वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने, उन्होंने तो अटैक किया प्रॉपर, हमने तो अपने बच्चों को अब ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें कश्मीर के नगमे सुना सुना के ना ऐसे हमारा माइंड सेट बना दिया था, अब डिजिटल दौर है, अब बच्चों को पता है, नई नस्ल को हमने गटरों नालियों पे वोट नहीं दिलाना, शौर पे दिलाना, कौन से कंट्री का विजिट रहा है आप? मैं दुबई गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, तुर्की गया हूँ, ठीक हो गया, हमें बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, और आपकी जो सोच है ना कि दुश्मनी को खत्म करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, हमारी भी ये कोशिश रहती है, आप जिन इंडियंस के साथ रहे हैं अगर आपको उनका नाम आता हो आप नाम लीजिए, शायद उन तक ये वीडियो आपकी पहुँचे। देखिये एक हमारे दोस्त है महमूद भाई, महमूद भाई हैदराबाद दक्कन के थे, ठीक है, और एक हमारे जो ना दास भाई थे, दास भाई के, मुंबई के, हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है, अब भी दोस्त हैं, और अभी खाना भी है, बिल्कुल खाना इकट्ठे, मेरे ख्याल से फील ही नहीं होता था यार ये इंडियन हम पाकिस्तानी हैं, और एक श्रीलंकन थे, अच्छा, इंडिया में उनकी ग्रोथ हुई थी, पैदा हुए थे, लेकिन श्रीलंकन थे, आज भी ना वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, मैं इस चीज को हल्फन कहता हूँ कि मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, जितने बांग्लादेश के लोगों से मिला हूँ, जितने नेपाल के लोगों से मिला हूँ, उन्होंने यही बोला कि भाई हम नफरतों से तंग आ चुके हैं, की थोड़ी सी ना बांग्लादेशियों की ना थोड़ी सी केमिस्ट्री और है, ठीक है, जो बांग्लादेशी है ना वो बेसिकली जो है ना इंडियन से जरा मुख्तलिफ है जज्बाती है, अच्छा वो भी जज्बाती है, वो भी हमारी तरह जज्बाती है, लेकिन ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा एक उनका ना डिफरेंस है पाकिस्तानियों से, मुझे तो वो बहुत मेहनती है, मेहनती है इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत मेहनती, भाई आप इनकी बात से एग्री करेंगे, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चों को ये सिखाना छोड़ दिया है कि इंडिया दुश्मन है, अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ इंडिया दोस्त है, आपने यही बोला? हाँ जी यही बोला, ठीक है, ये बात अच्छी है, हमें सिखाना चाहिए ये चीज, हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बतानी चाहिए, ये चीज हमें मीडिया में बतानी चाहिए, आज पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि भाई इंडिया का कोई नाम ले ले गया ना तो ये कहेंगे ये इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया का एजेंट लग रहा है, इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। मैं यहाँ पे ना एक चीज कंप्लीट करूंगा, देखिए आपने ये जो प्रेजेंटेशन की है ना ये वहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रेजेंटेशन की है, ठीक है, लेकिन वहाँ की ब्यूरोक्रेसी, वहाँ के जो गवर्नमेंट लेवल के आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी पहले पॉइंट आउट करें ना, ठीक है, आप कर रहे हैं एग्जांपल दें, एग्जांपल देखें ना कि आपके अभी रावी के अंदर जो पानी है डिपार्टमेंट्स हैं जो ये तो वो डिपार्टमेंट डील कर रहे हैं ना, ठीक हो गया, वो पानी रोक दिया उन्होंने, अच्छा आम बंदे का क्या रोल है उसमें, आम बंदा तो देखो हर मुल्क का जो बंदा है वो मेहनत करने के लिए ये भी गए, मेहनत करने के लिए वो भी गए, ठीक है, इनको उन्होंने बिजनेस एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने कर लिया, रिलेशन अच्छे हुए दोनों के, आप जा रहे हैं ट्रिप करने जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को व्लॉग्स सही है, आप लोगों ने अपनी सोच को चेंज किया है, एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन देखें जो वही सोच हम यहाँ पे लाना चाहते हैं ना, सुने जी, मैं एग्री करता हूँ कि मैं चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन देखें हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई वजीर, वो अगर उनके बारे में अच्छी पॉजिटिव सोच नहीं रखता तो देन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो सकती, ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, बहुत से लोग इस टाइम जो लेट मी कम्प्लीट, अब इस टाइम जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशन मेकअप नहीं अच्छा कर रही, ठीक है, तो आप कैसे उसको रिलेशनशिप में ले रहे हैं, ठीक है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे भाईजान, इन्होंने जो बात की है, मैं ना एक मिसाल देता हूँ भाई को, ठीक है, और मैं भी एक मिसाल दूंगा रावी वाली, मिसाल दूंगा इनको, ठीक है, एक फौजी है, ठीक है, वो ना एक कॉल कर रहा है, प्रैंक कॉल है, वो ना एक इंडियन को बुला रहा है, सर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, एक बच्ची है, दो बच्ची, एक माँ जा रही है, शूट कर दूं, कह रहा कौन है भाई तू, इंडियन फौजी इंडिया में ही, ठीक है, इंडिया के बंदे, नहीं नहीं क्यों ना, वो पाकिस्तानी आ रहा है हमारी दूर में, छोटे बच्चे हैं, दो एक माँ है, वो कह रही नहीं नहीं 10 का ले किया, 10 ने कहा नहीं मारना भाई उनको, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, जबरदस्त सिंपल सी बात है, जो डिप्लोमेटिक तल्लुका था उनके जाती तौर पे बड़े अच्छे हैं, नवाज शरीफ के घर मोदी आया बताए, उनके जाती तल्लुका बहुत अच्छे हैं, अगर हमें ये ना सिखाया जाता कि इंडिया हमारा दुश्मन है तो फौज कहाँ से बनती, असला कहाँ से आता, इतना ज्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कहाँ से जनरेट, नहीं नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमें आज भी लगाना चाहिए, जिंदाबाद हाँ, लेकिन ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना, सिनेरियो भी चेंज हुआ है ना आपका फौज के बारे में, मैं इससे खिलाफ करता हूँ, ठीक है, जिस वक्त में
जिस वक्त में वेपन्स की जरूरत थी, जिस वक्त में इन एटॉमिक एनर्जीज की जरूरत थी, ठीक है, क्या आप ये कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जिस वक्त में ये एटम बम बनाया, ठीक है, वो आपकी सोच इत्तेफाक करके दोस्ती के नारे लगा, लेट मी कंप्लीट, वो क्या, ठीक है, वो क्या दोस्ती के नारे लगाता था, नहीं ठीक है, जिस वक्त में उन चीजों की जरूरत थी उन्होंने वो सब काम किए। आज यकीनन इसी चीज की जरूरत है कि हमें बाहमी हम आंगी पैदा करनी चाहिए, रिलेशन बेहतर, रिलेशनशिप को एक्सचेंज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज। लेकिन देखें आप मुझे ये बताएं वो आपसे एक्सचेंज कहाँ पे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। आपने रावी की बात की, पानी रोक दिया। अब आपको हिस्ट्री का पता है, मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि 1971 का पता है? ओ सर, आपने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी जिसमें ये मुआहदा हुआ था कि रावी का पानी इंडिया के मतलब वो है कि वो उसके इस्तेमाल में होगा, उसका कंट्रोल होगा। अगर वो इतनी देर तक देते रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से देते रहे हैं। हमने इतनी देर, सर सवाल तो फिर ये बनता है हमने डैम क्यों नहीं बनाए, डैम बना लेते आज हमें इशू ना आता। अगर इंडिया पानी छोड़ता है हम ये कह देते इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जुल्म कर दिया। एक बात करूंगा जी, दोस्ती आजकल का मियार है इक्वालिटी, इक्वालिटी। देखे हम कमजोर मुल्क है, आज इंडिया से ऊपर आए तो आपको उनको आपकी जरूरत नहीं है इस वक्त। हाँ ये लॉजिकल बात, इंडिया को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक